जी, यूनिट नंबर टू रैशनल नंबर, एक्सरसाइज नंबर टू है जो भी थी। क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करना है आगे हमने। राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज नंबरेटर इज ब्रैकेट में लिखा हुआ माइनस सेवन मल्टीप्लाई टू एंड हुज डिनोमिनेटर इज 21 माइनस टू। सोल्यूशन के अंदर जाकर मैं सब कुछ पता चल जाएगा। रैशनल नंबर फाइंड है तो रैशनल नंबर का मैंने फार्मूला लगाया हुआ नंबरेटर और डिनोमिनेटर। नंबरेटर ऊपर वाले को कहते हैं तो हमारे पास नंबरेटर यहाँ पे क्या है माइनस सेवन मल्टीप्लाई टू और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 21 माइनस टू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ये माइनस का सेवन ये प्लस का टू है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। सेवन मल्टीप्लाई टू 14, 21 में से माइनस करेंगे टू तो ये क्या आ जाएगा 19। तो स्टूडेंट्स हमारे ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है माइनस 14 ओवर 19। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर वन लिखा हुआ है राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज नंबरेटर इज 15 माइनस 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 मल्टीप्लाई माइनस 4। वही सेम पैटर्न से चलेंगे। रियल नंबर रैशनल नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर है नंबरेटर, तो नंबरेटर हमारे पास क्या है 15 माइनस 4 ओवर में क्या है 37 मल्टीप्लाई माइनस 2। उसी तरह से करेंगे 15 में से माइनस 4 निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास आता है 74 और प्लस माइनस क्या होगा साथ में माइनस आएगा। इसी तरह से उसने पार्ट नंबर टू में पूछा हुआ है एक्सप्रेस द अबव रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वो इसका क्या मांग रहा है पॉजिटिव मांग रहा है। तो हमने देखा कि अबव यानी कि पीछे वाला जब भी हमने आंसर निकाला उसमें हमने देखा कि हमारा आंसर क्या आया था 11 ओवर माइनस 74 ये हमारा आंसर था। हम क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे हम माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं बाहर से 11 ओवर माइनस 74 दोनों तरफ करवाना है ताकि स्टेटमेंट सेम रहे। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे 74 के साथ तो ये 74 हो जाएगा। चलो ओके अल्लाह।